अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है शेरगढ़ की पुलिस। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कही जाती है, वहीं थाना शेरगढ़ पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। हम आपको बता दें कि दो दिन पहले थाना शेरगढ़ के कशवा शेरगढ़ में वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला किया गया और उसके गले से सोने की चैन को लूट लिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि शांति भंग के आरोप में दोनों तरफ से दो दो व्यक्तियों को बंद कर दिया गया और थाना इंचार्ज मुकेश कुमार मलिक द्वारा दोनों पक्षों से कह दिया गया कि आप दोनों बैठकर इस मामले को सुलझा लो और आपकी सोने की चैन मैं दे दूंगा। अब भला ऐसा कौन सा अधिकारी है कि जो अपराधियों पर अंकुश लगाने की वजह है घटना में लूटी गई चैन को खुद दे रहे हैं। यह अधिकारी थाना शेरगढ़ में तैनात थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मलिक, जो कि अपराधियों पर अंकुश लगाने की वजह है अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद भी पीड़ित व्यक्तियों की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। मजबूरन पीड़ित व्यक्तियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद पीड़ित की सुनी जाती है। कस्बा इंचार्ज भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए थे। कस्बा इंचार्ज के कारण ही कस्बे में बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। तभी एक जांच के दौरान ही प्रधान प्रतिनिधि पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन का कोई भी नहीं है। हम आपको बता दें कि गांव जंगावली के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शेरगढ़ कस्बे में वर्तमान प्रधान ने फर्जी तरीके से प्रधान पद की दावेदारी की है, जिसकी जांच करने के लिए एडीओ प्रेम सिंह, सेक्रेटरी आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की जा रही थी। तभी बैठक में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा वहां पर लड़ाई झगड़ा कर दिया गया और प्रधान प्रतिनिधि नीरज की चैन को भी लूट लिया गया। इस घटना को देखते हुए वहां पर मौजूद कर्मचारी अपने रास्ते चले गए। उसके बाद इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष को भी थाने में बैठा लिया गया। जब एक समाज का प्रत्येक व्यक्ति भी ऐसे गुंडों का शिकार हो जाएगा तो आखिर आम जनता क्या करेगी। इस बात से पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के इस रवैये की घोर निंदा की जा रही है और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई जी, मेरी एक तो चैन लूट ली जी विपिन कुमार ने, और मुझमें लात घूंसे से पिटाई भी की। वहाँ पे काफी लोग मौजूद थे जी, पहले से उन्होंने लोगों ने मुझे मारने के लिए प्लान बनाया हुआ था। किस कारण क्या, किस बात को लेकर? वो सविता की जांच करा रहे थे प्रधान की, वो कह रहे थे प्रधान जो है ये फर्जी है, इस पे जो फोटो लगा हुआ है वो दूसरे का है संतोष का, और जो सविता का फोटो नहीं है, इसी की जांच। हाँ जी, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे विपिन कुमार जी आए, उन्होंने जी आके मेरे साथ बदतमीजी से बोलने लग गए। बोलने के बाद उन्होंने मेरे यहाँ पे गले पे चैन पे एकदम हाथ मारा, उसके बाद मेरी चैन उन्होंने ले ली। मैंने हल्ला भी किया, वीडियो मेरे पास है, मैंने कि मेरी चैन ले ली, किसी ने मेरी कोई भी मदद नहीं की। क्या नाम है? प्रमोद कुमार पायला। क्या घटना हुई थी? ऐसा था कि शेरगढ़ में जो हमारे एडीओ पंचायत एग्रीकल्चर हैं प्रेम सिंह जी, वो सत्तार की शिकायत को लेकर उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ पर शिकायत की थी कि प्रधान जो है फर्जी है और उसका फ़ोटो जो लगा हुआ है वो कोई और है। इसके चक्कर में एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिव के साथ में प्रधान प्रतिनिधि नीरज शर्मा भी वहाँ मौजूद थे, और पहले से ही वहाँ पर कम से कम 50-40 आदमी जंगावली से थे और 20-25 आदमी शेरगढ़ से जो निषाद मोहल्ले से थे मौजूद थे। तभी उन्होंने हम पर फ़ोन किया नीरज शर्मा के पास में, तो हम इनके साथ में उपस्थित थे और वहाँ पर जाकर पंचायत घर पर हम पहुँचे तो देखा उन लोगों ने जाते ही हम लोगों पर हमला बोल दिया, और उस हमले में के नीरज प्रधान प्रतिनिधि शेरगढ़ की चैन गायब हो गई। उसके बाद एसओ शेरगढ़ मलिक साहब ने दोनों पार्टियों को दो दो आदमियों को 151 में जेल भेज दिया, फिर उसमें जमानत हुई। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, लेकिन उन्होंने हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर हमने धरना प्रदर्शन दे करके रात को 12 बजे थाना शेरगढ़ में, शेरगढ़ की जनता भी रही, हम भी वहाँ मौजूद रहे, तब हमारी एफआईआर नोट की गई है। अभी तक उसकी कोई ना कोई पकड़ की गई है और ना ही कोई उस पर एक्शन लिया गया है। जब हमने अभी मलिक साहब से जो बात की है तो मलिक साहब कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इसमें बैठ के बात कर लीजिए, चैन मैं आपकी देने को तैयार हूँ, या वो दें या ना दें, लेकिन मैं आपकी चैन दूँगा या पैसे दूँगा, आप इस केस को जो है वापस ले लें।